नमस्कार। कहते हैं पुस्तक से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से एक शिक्षक अपनी सर्व शिक्षाओं को समाज में विस्तृत करता है। अध्यात्म क्षेत्र में संत रामपाल जी की पुस्तकों को पूरे विश्व भर में बोलबाला है। अनमोल पुस्तकें जीने की राह और ज्ञान गंगा घर घर लोगों को नैतिक शिक्षा देती हैं। इसी से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी कवरेज। आध्यात्मिक क्षेत्र में कबीर साहिब जी के ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मानता है। कबीर साहिब जी ने आज से लगभग 600 साल पहले आध्यात्मिक प्रश्नों की हर एक गुत्थी को सरल किया है। लोकोक्तियों, दोहों और साखियों के माध्यम से लोगों के सामने सद्ज्ञान प्रस्तुत किया। उनके परम शिष्य आदरणीय धर्मदास जी ने उन अमृत वाणियों को कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि में लिपिबद्ध किया। समय अंतराल में नकली कबीर पंथियों द्वारा इन अनमोल सदग्रंथों में मिलावट कर दी गई। पूर्ण परमात्मा के अनमोल ज्ञान को हरियाणा के आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने लगभग 250 साल पहले पुनः प्रकट किया। उसी अनमोल ज्ञान को वर्तमान समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह के माध्यम से परमेश्वर कबीर साहिब जी के ज्ञान को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम हुजै से आए हैं। और आपका नाम? मेरा नाम है बिदुर पानिका। तो बिदुर पानिका जी, आप हमें ये बताइए कि आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? ये तो फेस्टिवल है, यहाँ पर तो दूर दराज से सिंगर लोग आके गाना वगैरह गाया हुआ है, लेकिन आप लोग तो उसमें नहीं जाकर यहाँ पर पुस्तक प्रचार करके बैठे हुए हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ऐसा है, हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार हम यहाँ आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, ये आसाम का उमरांगसु जगह है, उमरांगसु का जगह में फेलकोन फेस्टिवल मना रहे हैं, लोग अपने हिसाब से मना रहे हैं, लेकिन हमारा गुरुजी का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को बताना। तो इसी के अनुसार हम गुरुजी के पुस्तकें लेके आए हैं यहाँ और उनको ये पुस्तक बांट रहे हैं। तो सर, इसमें आप जो बताए यहाँ पे वे ऑफ लिविंग है और जीवन और सुगम पद है, सर किस किस भाषा में यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध है? सर जी, हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब ये उमरांगसु जो एरिया है, हमारा आसाम का एक एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश को अहमियत देते हैं, इसीलिए हमने यहाँ इंग्लिश का दो बुकें लेके आए हैं, एक वे ऑफ लिविंग और एक ज्ञान गंगा इंग्लिश में। और भी है हमारे पास, आसामीज का है ज्ञान गंगा, जीने कीरा, सारे आसामीज भाषा में है, बंगला भाषा में है, हिंदी भाषा में, सभी भाषा में उपलब्ध है। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, जो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहां घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहां पर वो सेलुलर जेल है जो अंग्रेजों के समय काला पानी जिसे बोला जाता था, आज़ादी के क्रांतिवीरों को, आज़ादी के दीवानों को यहां पर कैद करके रखा जाता था। तो यहां पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यहां घूमने आते हैं, जगह जगह टूरिस्ट पॉइंट पर घूमते हैं। यहाँ पर हमने एक बात और देखी है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार करते हुए यहाँ पर देखे गए हैं। जैसे कि जेल के दूसरी तरफ में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। तो हम इन अनुयायियों से जानते हैं, आखिर ये जो धार्मिक पुस्तकें बांट रहे हैं उसका क्या कारण है और किस तरह से ये धार्मिक पुस्तकें लोगों को दे रहे हैं, क्या रेट है, सब कुछ इस पुस्तकों के बारे में हम इनसे जानते हैं। तो मेरे साथ है संत रामपाल जी के अनुयायी, इनसे इन प्रचार के बारे में हम पूछते हैं। तो जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम सिंह है जी। जी सर, कहाँ से आए हो आप? जी मैं पंजाब से। तो सर हमें बताइए, इस टूरिस्ट पॉइंट पर आप ये धार्मिक पुस्तकें बांट रहे हो, तो इसका क्या कारण है, कौन कौन सी पुस्तकें बांट रहे हो, हमारे दर्शकों को बताएं। जी ये पुस्तकें जो है बेसिकली ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं सर, ये हमारे सर्व ग्रंथों का सार है और तत्व ज्ञान के आधार पर ये आध्यात्मिक पुस्तकें बनाई गई हैं सर। ये पुस्तकें हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं सर, ताकि संत रामपाल जी द्वारा लिखित तत्व ज्ञान जो है वो हर जन जन तक पहुँचे सर। तो सर बताइए, जैसे यहाँ टूरिस्ट पॉइंट पर यहाँ पर लोग आते हैं, आप जो लोग घूमने आते हैं उनको ये धार्मिक पुस्तकें बांटते हो, यहाँ के निवासियों को बांटते हो, लोगों का क्या रिएक्शन रहता है इन धार्मिक पुस्तकों के बारे में? जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। जैसे ये पुस्तक है, इसकी लागत लगभग 100 रुपये है सर, तो जब ये हम उसको सामने वाले को बताते हैं कि पुस्तक मात्र 10 रुपये में है, तो वो खुशी से झूम उठता है सर, तो वो पुस्तक लेने के लिए मजबूर हो जाता है और पुस्तक लेता है, पुस्तक लेके हमें थैंक्स बोल के जाता है सर। सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन ये किन किन लोगों तक ये पुस्तकें पहुँचाने का? जी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ये है कि ये पुस्तकें जो है हर उस मानव तक पहुंचे जो परमात्मा के प्रति प्रेरणा रखता है, परमात्मा पाने की इच्छा रखता है सर।
अच्छा सर बताइए, इतनी महंगी पुस्तक आप 10-10 रुपए में बांट रहे हो, इसका एक्चुअल क्या कारण है? इसका एक्चुअल कारण ये है सर कि इतनी कीमत कम इसलिए रखी गई है कि इसको गरीब से गरीब व्यक्ति भी ले सके। और दूसरा कारण ये है सर, अगर ये पुस्तक हम फ्री में देंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा सर, और इसका 10 रुपया हम चार्ज लगाएंगे तो वही लेगा जो परमात्मा की चाह रखता है सर। सर बताइए, जब आप लोगों को ये पुस्तकें देते हो यहाँ पर, लोगों को क्या प्रतिक्रिया, कैसा रिएक्शन इन पुस्तकों के प्रति होता है? पुस्तकों के प्रति लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी पुस्तक है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है वो भी हमसे मिलते हैं, हमें थैंक्स बोलते हैं उस पुस्तक के लिए कि आपने हमें बहुत अच्छी पुस्तक दी, और वो दूसरों को भी ये बोलते हैं कि पुस्तक आपको भी लेनी चाहिए सर। अच्छा सर, हमें बताइए, जैसे हमने देखा है कि जहाँ भी हम जाते हैं, हम रिपोर्टिंग कवरिंग करते हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी धार्मिक पुस्तकें बांटते हुए नज़र आते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे कोई आइसलैंड हो, मेनलैंड हो, हर जगह धार्मिक पुस्तकें बांटी जा रही है। आखिर हर जगह धार्मिक पुस्तकें आप बांट रहे हो तो लोगों को आप ये दे रहे हो, जैसे कि सोशल मीडिया पर आप फ्री में ये अभियान चलाते हो, यहाँ पर कुछ चार्ज लेकर पैसे देते हो, तो कितनी जनता, कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं और इन पुस्तकों के बारे में जान रहे हैं? सर बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस जो हमें देखने को मिल रहा है, बहुत से लोग हैं हमसे जुड़ रहे हैं, प्रतिदिन हमें हज़ारों संख्या में लोगों के कॉल्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं जो पूछते हैं कि ये मार्ग जो है हमें अपनाना है, इस पुस्तक को हमने पढ़ा, इसमें हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिला और हमारी जैसे लाइफ चेंज होगी सर। अच्छा सर, हमें बताइए एक बार, आप हमारे दर्शकों को बताइए शॉर्ट में कि इन दोनों पुस्तकों में क्या क्या बताया हुआ है, ताकि हमारी जनता भी उसको देखे और इस पुस्तकों के बारे में जाने। ये पुस्तक जो है सर, इसका नाम है ज्ञानगंगा। ये पुस्तक पूर्णतः धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है सर, धार्मिक शास्त्रों से लेकर तत्व ज्ञान को एकत्रित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आध्यात्मिक पुस्तक बनाई है सर। और ये दूसरी पुस्तक जो है, इसका नाम है जीने की राह। इस पुस्तक के अंदर हमारे धार्मिक शास्त्रों के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हमारा जीवन जो है, धार्मिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, इसमें विशेषता ये है कि सर, ये जैसे हमारी कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज है, नशाखोरी है, भ्रष्टाचार है, और जैसे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास है, इन चीज़ों पे करारी चोट है सर। तो इसके बारे में विशेषता ये है कि ये चीज़ें इसमें बड़ा खोलकर और बड़े अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से बताई गई हैं, ताकि इसको जो भी पुस्तक को पढ़ता है वो अपनी विचारधारा बदल के और एक भगत विचारधारा, संत विचारधारा में आता है सर। अच्छा सर, हमें बताइए, जैसा आपने बताया कि धर्मशास्त्रों के आधार से ये पुस्तकें बनाई गई है, तो इसका आधार, इसका पैमाना हम क्या धार्मिक शास्त्रों को माने जिसके आधार से बुक बनाई गई? जी बिल्कुल, ये धार्मिक शास्त्र जितने भी हमारे प्रमाणित शास्त्र हैं जिनको हम वैलिड समझते हैं, जैसे हिंदू शास्त्र हैं, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इसी तरह सिख धर्म का जैसे पवित्र ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, और अन्य जैसे धर्मों के ग्रंथ, और सब मिला के ही ये पुस्तकें तैयार की गई हैं सर। ठीक है सर, आपने इस पुस्तकों के बारे में बताया, तो हम और एक और अनुयायी है, उनसे भी इन पुस्तकों के बारे में बांट पूछते हैं, तो सर आप बताइए, ये जो धार्मिक पुस्तकें आपके हाथ में है, आप लोगों को ये बांट रहे हो, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आपको नज़र आती है? बहुत अच्छा, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी पुस्तक है सर ये। अच्छा, कितने रुपए में आप लोगों को देते हैं? 10 रुपए का देते हैं सर। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से हैं जी, हनुमान। तो राजस्थान ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, भारत के अनेकों अनेकों राज्य से यहाँ लोग, भगत आए हुए हैं, अनुयायी आकर धार्मिक पुस्तकें लोगों को बांट रहे हैं, और इनका कहना है कि इस टूरिस्ट स्पॉट पर भी लोग खुशी खुशी पुस्तक ले रहे हैं और इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी का और अनुयायियों का कि इतनी कम कीमत पर और ऐसे धार्मिक पुस्तकें बांटी जा रही है, ये बहुत सराहनीय काम है। जैसे कबीर जी की वाणी है कि मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कई साधु संत मिल जा। तो चाहे घूमने का स्थान हो, चाहे कोई धार्मिक स्थल हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये धार्मिक पुस्तकें बांटते हुए मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पर से हो या फिजिकल पुस्तक प्रचार हो, जहाँ पर भी आपको ये धार्मिक पुस्तकें मिले वहाँ पर इन पुस्तकों का केवल 10 रुपये धार्मिक मूल्य चुकाकर इन पुस्तकों को खरीदा जा सकता है। कबीर साहब जी के वास्तविक ज्ञान को वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। आप भी जब भी इन पुस्तकों को प्राप्त करें तो इनको जरूर पढ़िएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, धन्यवाद।